अच्छा दिखाइए। अच्छा ये दिन भर में लगभग कितनी ढोलक आपकी बिक जाती है? दिन भर में बिक जाती 20-30 इतना ऊपर वाला हमारे तो 1,000-2,500। तो दिन भर में लगभग 1,000 रुपया कम से कम आप तैयार कर लेते हैं? जी, राम मंदिर सब बढ़िया ही है, सब बढ़िया ही है। जय श्री राम दोस्तों, इस समय हमारी टीम अयोध्या के हनुमानगढ़ी पे खड़ी है। जहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये हनुमानगढ़ी से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। जब से राम मंदिर में राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तब से यहाँ लोगों का धंधा चल निकला हुआ है। यहाँ पर दूर दराज के लोग आ करके और यहाँ हजारों और लाखों कमा रहे हैं। देखिए अभी हम आपको मिला रहे हैं, देखिए ये बालक, ये दिन भर में कम से कम 100 ढोलक गिरता है। ये कहाँ का रहने वाला है और कब से यहाँ ये धंधा कर रहा है और इसको क्या फ़ायदा होता है, आइए अभी हम इसे आपको बात कराते हैं। आप एक नज़ारा बजाइए, तो बजा के दिखाइए। हाँ बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? हमजा। कहाँ से आए हो? अलीगढ़ से। तो ये कितने ढोलक आप बेच रहे हो? बेच देते हैं 120 का, 10 का भी, 100 का भी बेच देते हैं, जितना ऊपर वाला जो बेच देते हैं। अच्छा ये दिन भर में लगभग कितनी ढोलक आपकी बिक जाती है? दिन भर में बिक जाती 20-30 जितना ऊपर वाला जो। अच्छा इसके पहले जब ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ नहीं हुई थी तो यहाँ कितनी ढोलक बिक जाती थी? पहले आते नहीं थे यहाँ, पहले नहीं आते। मतलब जब आपको पता चला कि यहाँ भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और भीड़ बढ़ गई है, उसके बाद से यहाँ आ रहे हो? हाँ। तो दिन भर में लगभग कितना कमा लेते हो? कमा लेते 1,000-2,500। अच्छा बेटा ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 15। तो पढ़ाई नहीं करते हो? पैसे नहीं, पढ़ाई कैसे करें, पैसे कमाना पड़ता है। अच्छा आप तो पढ़ाई करोगे ना? घर में कितने लोग हैं आपके? 3। कौन कौन हैं? एक मम्मी, एक पापा, एक हम। कमाने वाले केवल आप हैं? तो दिन भर में लगभग 1,000 रुपया कम से कम आप तैयार कर लेते हैं? जी। तो इससे तो आपका बढ़िया गुजर बसर हो जाता है ना? हो जाता है। अच्छा ये बताइए, आप तो मुस्लिम बिरादरी से आते हैं, तो भगवान राम लला के यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुआ है तो इससे आपकी आमदनी बढ़ी हुई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे राम मंदिर को लेकर के? राम मंदिर सब बढ़िया ही है। राम मंदिर बन गया तो इसे आपको कैसा एहसास हो रहा है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच 24 इंडिया के लिए SP पांडे की रिपोर्ट। सच 24 इंडिया की टीम डेली आपके लिए कुछ नया कंटेंट लाने की कोशिश करती है। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक और शेयर करना न भूले। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क नहीं लगता, जबकि टीम का हौसला बढ़ जाता है। थैंक्स।